Hey guys. Hello. Welcome back to the another vlog. और हम आ चुके हैं लॉस वेगास में, स्मॉल वर्ल्ड लॉस वेगास कैसीनो की दुनिया में. तो गाइस इस टाइम हम मकाऊ में, हमने शंघाई से अपनी फ़्लाइट ली थी मकाऊ के लिए और तकरीबन 2.5 घंटे लगे थे हमें यहाँ पर आने में और सही सलामत यहाँ पर आ गए हैं. लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी वहाँ पर और उन्होंने हमें बड़ा परेशान किया इमिग्रेशन टाइम पे शंघाई में, क्योंकि एज़ पर किसी भी ब्लॉगर ने हमें ये नहीं बताया कि यहाँ पर करेंसी लेकर कितनी लेकर आनी है, ये कंपलसरी है या नहीं है. और उन लोगों ने वहाँ पर शंघाई में माइग्रेशन के टाइम में इतना पंगा डाला कि मेरी टिकट्स नहीं दी. कम से कम 2 घंटे लगे मेरे को वहाँ पे, मतलब वेटिंग करना पड़ा. और हम लोग तो पहला के लिए जल्दी आ गए थे इसलिए हम लोगों के पास टाइम था, अदरवाइज़ हम लोग एंड टाइम पे आते हाफ एन आवर में तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता, शायद हमारी फ़्लाइट भी छूट जाती. पर लकली हम लोग वहाँ पर टाइम पे आ गए और हम लोगों को कम से कम 2 घंटे वेटिंग रही वहाँ पर. और 2 घंटे वेटिंग करने के बाद हमें जाकर कहीं इमिग्रेशन का प्रोसेस मिला और टिकट मिली. तो आपको पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ क्या था एक्चुअली स्टोरी. स्टोरी ये थी कि अगर आप मकाऊ जा रहे हैं तो कम से कम आपके पास शंघाई से अगर मकाऊ जा रहे हो तो कम से कम आपके पास 5,000 RMB ईच पर्सन इन कैश होना चाहिए, ये कंपलसरी है. पर हम लोगों को ऐसा पता नहीं था क्योंकि किसी भी ब्लॉगर ने ऐसा कहीं भी डिफाइन नहीं किया, कहीं भी हमें नहीं मिला, कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं थी. जब कराया था अपना टिकट वगैरह तो वहाँ पे भी ऐसा कोई नोट नहीं था कि आपको इतना कैश लेके चलना अपने साथ. तो हम लोगों के पास हार्डली $500 और 500-600 RMB था. तो वहाँ पर हमें इमिग्रेशन करने नहीं दिया, हमारी टिकट्स नहीं बनाई. फिर हमने किसी तरह, हमारे पास एक्चुअली बाय लकली हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे, हमारी फ़्लाइट्स जाने की और बुकिंग, रिजर्वेशन, होटल बुकिंग सब चीज़ कंप्लीट था. तो उसके बेसिस पे हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने चेक कराए कि ये हमारी ट्रेन टिकट्स है, ये हमारे होटल बुकिंग्स है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं. और उसके बाद मैंने अपनी बैंक की स्टेटमेंट भी निकाल कर दिखाई उनको ऐप के थ्रू कि देखो मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है. तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिर हम आपको कहीं जाकर ये सारे प्रिंट आउट लेने के बाद फिर उन्होंने हमारे को, मतलब कि उन्होंने माइग्रेशन के लिए मकाऊ माइग्रेशन टीम से बात की और उनको प्रिंट स्क्रीन शेयर वगैरह किए, उनसे डिस्कशन किया चैट्स के थ्रू. और चैट करने के बाद कम से कम ये होल प्रोसेस 2 घंटे का लगा. तो गाइस अगर आप मकाऊ आ रहे हैं तो अपने पास कम से कम 1 लाख रुपये का कैश लेकर रखिए पर पर्सन, सेफर साइड. ये कंपलसरी है यहाँ पर, क्योंकि कंपलसरी इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर शॉपिंग और कैसीनो वगैरह है. तो ये यहाँ की गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें यहाँ पर, ताकि और आप पैसा लेकर जाएंगे तभी खर्च होगा, अगर पैसा नहीं लेकर जाएंगे तो खर्च ही नहीं होगा. तो इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने कंपलसरी रूल बना रखा है कि आप पैसा लेकर आइए. तो कम से कम सेफर साइड में आप पर पर्सन 1 लाख रुपये लेकर जाइए. और आपको अगर मकाऊ करेंसी में बताऊँ तो 12,000 मकाऊ करेंसी आपके पास होनी चाहिए. तो सेफर साइड में आप मान कर चलिए इंडियन रुपीज़ आपके पास 1 लाख रुपये होना चाहिए. तो आप इतना लेकर चलिए ताकि ताकि आपकी जर्नी स्मूथ रहे. बाकी यहाँ पर मकाऊ में इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ रहा, कुछ नहीं है. जस्ट आपने पासपोर्ट और बोर्डिंग दिखाया और आपको एक स्लिप सी मिली है, QR कोड, और दैट्स ऑल. बिकॉज यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल है तो इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है, किसी तरह कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है. पर यहाँ का इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथली रहा. तो चलिए दोस्तों, ये तो था जो भी मेरी जर्नी. पर लेकिन अब आपको मैं मकाऊ एक्सप्लोर कराता हूँ कि मकाऊ में की दुनिया है और सभी एक्साइटेड हैं मकाऊ में, क्योंकि मकाऊ का नाम सुनते के साथ ही सबसे पहला नाम आता है कैसीनो. तो शायद आपको दिखाएंगे कैसीनो और वहाँ की दुनिया किस टाइप की है. चलिए अब यहाँ से मैं बस पकड़ता हूँ कुछ और अपने होटल के लिए निकलता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन में निकलेंगे और आपको एक्सप्लोर कराएंगे. फ्रेंड्स, ये एयरपोर्ट स्टाफ से हमारी हेल्प करने के लिए एक अटेंडेंट आए हैं जो हमें हमारी शटल तक बिठाने आए हैं. सो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने हमें सपोर्ट किया है. टिकट ब्लॉक मिला था राइट?
शटल ने हमें लिस्बोआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, ये है लिस्बोआ कैसीनो, यहाँ उतार दिया है। अब यहाँ से हम अपने होटल जाएंगे। इस जगह यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, हाँ वहाँ तक हमें वॉकिंग जाना पड़ेगा। ये तो शटल थी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी शटल चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ तक आप जा सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं अपना ये होटल लोकेशन के थ्रू। होटल में चेकिंग कर लिया अपने रूम में। ये है हमारा रूम, काफ़ी नीट एंड क्लीन और बहुत ही प्लीजेंट रूम है। छोटा है, कॉम्पैक्ट है, पर अच्छा है। वाओ गाइस, बहुत अच्छा रूम है, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है। यहाँ पर एक स्टडी टेबल सी दे रखी है, यहाँ पर इन्हें कॉफ़ी की टेबल दे रखी है, छोटी स्क्रीन है, और ये एक वॉशरूम दे रखा है छोटा सा, बहुत प्लीजेंट सा, काफ़ी अच्छा है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें मोस्टली भारी घूमना है तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है। तो बाहर कुछ देखते हैं क्या है अवेलेबल। यहाँ तो शायद कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई खास व्यू नहीं है, पर अल्टीमेट व्यू है। अच्छा रूम है गाइस, छोटा है पर लेकिन ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे होटल्स और रूम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, पर फिलहाल तो जिस कॉस्ट में हमें मिला है ये रूम बढ़िया है। इसके बाद बैग वगैरह रखकर फिर निकलते हैं हम एक्सप्लोर करने और आपको भी दिखाते हैं। सो गाइस, अभी निकले हम लोग होटल से अपने और सिनेडो स्क्वायर के लिए। पैदल ही वॉक है, कम तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता है होटल के यहाँ से। मोस्टली सारी चीज़ें नियर बाई हैं यहाँ पर, और 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा, 1.5-1.75 किलोमीटर के आसपास। तो पैदल ही चलते हैं क्योंकि यहाँ चलते चलते कुछ देखने को भी मिलेगा, किस साइड की मार्केट है, किस साइड पे, किस साइड से रोड साइड में है। अगर आप वेजिटेरियन हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको, वेजिटेरियन के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। ये नहीं कि बीजिंग और शिंगाई की तरह कुछ नहीं है। स्वीट पोटैटो देख लिया, सिर्फ इसलिए उसे बॉईल करके खा लेंगे। तो दोनों साइड में मार्केट है, काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, भाग आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरे साइड में, और डेफिनेटली ये मार्केट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी भाई। और देखते हैं, आपको दिखाता हूँ सामने एक कैसिनो की बिल्डिंग है, शायद सबसे फेमस कैसिनो है लिस्बोआ कैसिनो की बिल्डिंग। इवनिंग में आएंगे यहाँ पर तब आपको लाइटिंग ज़्यादा दिखेगी, अभी तो शायद लाइटिंग कुछ दिखेगी नहीं क्योंकि सनलाइट में तो कुछ है ही नहीं। पर लेकिन इन्होंने ऑलमोस्ट सारी की सारी जो मिरर है वो गोल्ड की तरह कर रखा है। गाइस ये है ग्रैंड लिस्बोन होटल, ये देखिए कितना शानदार होटल है ये। और शाम को आपको दिखाऊंगा इसमें किस टाइप से लाइटिंग का इफेक्ट होगी और किस तरह का नज़ारे होंगे यहाँ पर। अभी आप देखे नज़ारे इंजॉय करिए। यहाँ पर लोग घड़ियों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, लग्जरी घड़ियों के, आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स की घड़ियाँ मिलेगी आपको। गाइस यहाँ पर रिक्शा भी चलते हैं, आप देख सकते हैं मेरे साइड में, ये देखिए आप रिक्शा भी ले सकते हैं अगर आधा 1 किलोमीटर कहीं जाना है आपको। तो इस साइड में शायद रेजिडेंशियल एरिया है।
काफ़ी क्राउडेड सिटी है ये, क्योंकि ये मोस्टली टूरिस्ट है। तो शंघाई में मुझे इतना क्राउड नहीं दिखा था रोड्स पे, पर यहाँ पर काफ़ी रोड्स पे क्राउड दिख रहा है हर जगह, आप देख भी सकते हैं मेरे सामने, ये देखिए हर जगह, मेरे बैक साइड में सब जगह काफ़ी क्राउड है, ये देखिए। यहाँ पर आप गोल्ड भी बाय कर सकते हैं, पर मोस्टली डिज़ाइन चाइनीज़ टाइप के होंगे, अगर आप पसंद करेंगे तो आप इस टाइप के वो ले सकते हैं गोल्ड, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए। देखिए कितने बड़े बड़े, पता नहीं ये क्या है, कंगन है या कड़े हैं, कितने बड़े बड़े साइज़ के, ये देखिए। सारे के सारे चाइनीज पैटर्न में, मेरे दोनों साइड में मार्केट है इस टाइम, गोल्ड वगैरह बाय करना हो किसी को या सिल्वर को बाय करना हो, काफ़ी लग्जरी मार्केट है यहाँ पर, शायद पता नहीं गोल्ड। फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से लगता है, आप देखिए गाइस, सच में दोनों साइड में बहुत ज़्यादा ज्वेलरी की शॉप्स हैं। मुझे लगता है कैसीनो से पैसा जीतने के बाद लोग यहाँ पर गोल्ड में कन्वर्ट करा लेते हैं, क्योंकि कैश तो ले जा नहीं सकते इतना, तो इसलिए गोल्ड में कन्वर्ट करा कर उसको पहन कर ले जाते हैं, ताकि वो लीगली एक मोनेटाइज हो जाए उनका पैसा, और अपनी कंट्री में जाकर गोल्ड को कन्वर्ट कर ले कैश में। तो आप देखेंगे हर जगह गोल्ड की ही वो मिलेगी आपको, अगर आप देखेंगे गोल्ड या लग्जरी वॉचेस जितनी भी है, ये दो टाइप की शॉप्स आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। आप देखिए मेरे दोनों साइड में लग्जरी की शॉप्स मिलेगी और गोल्ड ही की शॉप मिलेगी पूरी की पूरी। फ्रेंड्स, शायद हांगकांग का पैसा हांगकांग में ही इन्वेस्ट हो जाता है।